भाई साहब आज की स्पेशल वीडियो होने वाली है स्पेशली फॉर टाउन हॉल 10 और उसके नीचे जितने भी टाउन हॉल के प्लेयर्स हैं उन सभी लोगों के लिए ये वाली वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2023 के अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो आप लोगों को 3-star अटैक करके देगी टाउन हॉल 10 पे, और आज हम लोग विथ सीज मशीन के साथ अटैक्स करने वाले हैं क्योंकि विदाउट सीज मशीन के साथ शायद ही नॉर्मल वॉर्स के अंदर कोई अटैक करता होगा, बस टूर्नामेंट्स के अंदर, वो भी किसी किसी टूर्नामेंट के अंदर बिना सीज मशीन के साथ अटैक करना होता है टाउन हॉल 10 के ऊपर, लेकिन नॉर्मल वॉर्स में तो हम लोग बिल्कुल लेके जा सकते हैं। इसीलिए आज हम लोग विद सीज मशीन वाली स्ट्रेटजीज देखेंगे, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं विदाउट सीज मशीन के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आज की इस वीडियो पे 30,000 लाइक्स होते ही मैं विदाउट सीज मशीन के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलते हैं अभी फिलहाल डायरेक्ट गेम के अंदर, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो गाइस क्योंकि हम लोग बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाले हर टाउन हॉल के लिए। टाउन हॉल 10 के ऊपर तो वैसे बहुत सारी अटैक स्ट्रेटजीज है, लेकिन आज हम लोग दो ऐसे स्किल्ड अटैक स्ट्रेटजीज देखने वाले जो आप लोगों का स्किल सेट इंप्रूव करेंगे लोअर टाउन हॉल्स के लिए और आपको हेल्प करेंगे फ्यूचर में जब आप लोग हायर टाउन हॉल्स पे जाओगे। स्पैम अटैक स्ट्रेटजी तो आप लोग कर लोगे, जिसके अंदर ड्रैगन स्पैम हो गया, ग्राउंड आर्मी के अंदर वो विच वाली स्पैम आर्मी हो गई, ये सब तो आप लोग कर लोगे क्योंकि इजी स्ट्रेटजीज है, लेकिन ये स्ट्रेटजीज जैसे ही आप लोग ऊपर जाओगे हायर टाउन हॉल्स पे वहां पे ये स्ट्रेटजीज काम करना बंद कर देगी। तो उससे अच्छा लोअर टाउन हॉल पे वही स्ट्रेटजी सीखी जाए जो आप लोगों को फ्यूचर में हेल्प करेगी हायर टाउन हॉल्स के ऊपर। तो आज हम लोग दो स्ट्रेटजीज देखने वाले, सिर्फ एक तो ग्राउंड, दूसरा एयर। ग्राउंड के अंदर हॉक देखेंगे और एयर के अंदर लावा लून देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एयर अटैक स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारी लावा लून आर्मी। लावा लून के अंदर हम लोग यहाँ पे जैप लावा लून आर्मी यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ लाइटनिंग स्पेल्स और अर्थक्वेक स्पेल लिया है कुछ चीजें टेक डाउन करने के लिए, उसके बाद पॉइजन स्पेल, आपके फ्रीज स्पेल और हेस्ट स्पेल, और लावा लून की ये वाली आर्मी हम लोग यूज करने वाले। 3 लावा हॉर्न्स, 24 बलून्स और सीसी के अंदर स्टोन स्लैमर आप लोगों को यूज करना है क्योंकि स्टोन स्लैमर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे तो आप लोग उसके अंदर सारे बलून्स यूज कर सकते हो या फिर एक ड्रैगन राइडर भी यूज कर सकते हो, और ये एक काफी स्टैंडर्ड आर्मी है टाउन हॉल 10 की, जहां पे आप लोग इसके अंदर स्पेल्स भी चेंज कर सकते हो, एक दो ट्रूप्स भी चेंज कर सकते हो बेस के अकॉर्डिंग जैसा आपका प्लान बन रहा है। अभी हम लोग इस बेस के ऊपर अटैक करने वाले हैं जैप लावा लून के साथ। कैसे करना है प्लान और कैसे एग्जीक्यूट करना है चलो देखते हैं। सबसे पहले इस बेस के ऊपर हम लोगों को जैप करना है, तो हम लोग यहाँ पे जैप क्या करेंगे पता है, हम लोग यहाँ पे आर्चर क्वीन को और ये एक्सबो को जैप करेंगे। तो एक्सबो जैप होने में आर्चर क्वीन सिर्फ 4 लाइटनिंग स्पेल लेती है, जिसके अंदर आपके खुद के 3 और सीसी का एक मैक्स लेवल का लाइटनिंग स्पेल रहेगा। ये 4 लाइटनिंग स्पेल अगर आप लोग क्वीन के ऊपर डिप्लॉय करोगे तो क्वीन मर जाएगी, लेकिन एक्सबो फूटने के लिए टोटल 5 लाइटनिंग स्पेल चाहिए और एक अर्थक्वेक स्पेल चाहिए। तो जैसे ही क्वीन यहाँ पे बीच में आएगी हम लोग 5 लाइटनिंग स्पेल प्लस 1 अर्थक्वेक स्पेल डाल देंगे, जिससे कि क्वीन भी मर जाएगी और एक्सबो भी फूट जाएगा। उसके बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी आर्चर क्वीन को डाल देंगे। आर्चर क्वीन को हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया, आर्चर क्वीन एक तो ऊपर वाली साइड पे जाएगी या फिर इस वाली नीचे वाली साइड पे आएगी, चाहे किसी भी साइड पे चले जाए हमारे क्वीन, उसके ऑपोजिट साइड से हम लोगों को लावा लून अटैक चालू करना है, और जिस साइड पे भी आर्चर क्वीन जाएगी उसके आगे हम लोगों को सिंपली बार्बेरियन किंग को डिप्लॉय करना है, जिससे कि जो डैमेज हो बार्बेरियन किंग के ऊपर आए और आर्चर क्वीन पीछे से अपना काम करे। किसी भी साइड से आर्चर क्वीन यहाँ से इजीली ल्यूर कर लेगी एनिमी सीसी को, और जैसे एनिमी सीसी ल्यूर हो जाती है हम लोग पॉइजन स्पेल डाल देंगे एनिमी सीसी के ऊपर, चाहे कुछ भी हो, तो इजीली हमारी आर्चर क्वीन एनिमी सीसी को मार पाएगी। अब इसमें लावा लून अटैक कैसे करना है सुमित वो तो बता दो। देखो काफी सिंपल है, स्टार्टिंग में सिंपली हम लोगों को एक लावा हॉन्ड को डिप्लॉय कर देना है, उसके बाद ना हम लोगों को सिंपली एक डिफेंस के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 बलून्स ऐसे डिप्लॉय करने, और जैसे ही सारे बलून्स हमारे झुंड में आएंगे वहाँ पे हेस्ट स्पेल डिप्लॉय करनी है। बहुत ज़्यादा अगर डैमेज हो रहा है तो सिंपली हम लोगों को फ्रीज स्पेल यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे मल्टी इन्फर्नो है, तो इसको हम लोगों को फ्रीज करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बलून्स की हेल्थ काफ़ी कम कर देगा। सिंपली हम लोगों ने यहाँ से लावा लून चालू कर दिया, यहाँ पे बलून्स ने टेक डाउन कर लिया ये सारा सेक्शन, उसके बाद सिंपली वापस हम लोग लावा हॉन्ड यहाँ से डालेंगे, वापस पीछे से बलून्स वगैरह आएंगे, झुंड में आएंगे हेस्ट स्पेल डाल देंगे, तो हेस्ट के अंदर वो फास्ट हो जाएंगे और चीजों को जल्दी जल्दी फोड़ेंगे। तो ऐसा हमारा जैप लावा लून का प्लान होने वाला है इस बेस के ऊपर। तो चलो अभी अटैक करते हैं इसी प्लान के साथ। ओके गाइस, तो अभी हम लोगों ने आर्मी के अंदर थोड़े से बदलाव करे बेस के हिसाब से, लेकिन जो मेन स्टैंडर्ड आर्मी है वही रहेगी। बस हम लोग अभी फिलहाल क्या करना है, वेट करना है क्वीन को यहाँ पे बीच में आने का। जैसे ही बीच में आएंगी क्वीन को और इसको फोड़ देंगे हम लोग, यहाँ पे फोड़ देंगे और अर्थक्वेक डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सिंपली क्वीन को डालेंगे हम लोग यहाँ पे। अब क्वीन जिस किसी भी साइड पे चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, हम लोग टैंक के लिए बार्बेरियन किंग को डाल देंगे, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से नीचे की साइड पे आ सकती है हमारी आर्चर क्वीन। ओके, ऊपर की साइड पे जा रही है। ओके गाइज, ऊपर की साइड पे जा रही है, आई वॉज रॉन्ग। तो बार्बेरियन किंग क्या करेगा, अभी क्वीन को टैंक करेगा, मतलब डैमेज जो भी है सारा किंग अपने ऊपर लेगा और क्वीन पीछे से साफ करती रहेगी धीरे धीरे, ठीक है। फिलहाल वेट करेंगे हम लोग। ओके,
यहाँ पे इनकी एबिलिटी आएगी जिससे कि सीसी ल्यूर हो जाए। ये लो गाइस सीसी ल्यूर हो गई, पूरी तो नहीं हुई है, थोड़ी हुई है। चलो क्वीन वापस भटक चुकी है, अलग साइड पे आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बलून डाला है हम लोगों ने जिससे कि सीसी ल्यूर हो जाए। लो सीसी ल्यूर हो चुकी है, अभी सीसी के ऊपर हम लोगों को पॉइजन स्पेल यहाँ पे डाल देना है। अभी क्वीन इजीली टेक डाउन कर लेगी सीसी को, ठीक है। यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी, यहाँ पे लावा डाल के बलून्स डालेंगे, एक डिफेंस के ऊपर दो दो तीन तीन बलून्स। मिनियंस आएंगे पीछे से क्लीन अप के लिए, वापस यहाँ पे लावा और बलून्स और स्टोन स्लैमर भी हम लोग यहीं से डाल देंगे, ठीक है। वापस यहाँ पे कुछ बलून्स आएंगे, यहाँ पे एक हेस्ट क्योंकि बलून्स झुंड में थे। ओके, यहाँ पे तीन बलून्स, यहाँ पे तीन, यहाँ पे दो बलून्स। ओके गाइज, यहाँ पे एक हेस्ट आएगी और एक फ्रिज पे लाएगी यहाँ पे क्लीन अप के लिए मिनियंस। ओके गाइज, अभी भी हमारे पास ढेर सारे बलून्स बचे हैं, स्टोन स्लैमर अभी भी फटा ही नहीं है, क्वीन अभी भी हमारी जिंदा बच चुकी है। स्टोन स्लैमर फटने के बहुत सारे चांस है, स्टोन स्लैमर के अंदर चाहे आप लोग कुछ भी ले सकते हो, चाहे तो सारे बलून्स ले सकते हो या फिर एक ड्रैगन राइडर या फिर एक ड्रैगन, बाकी के बलून्स ले सकते हो। तो ये वाला अटैक गाइज हमारा यहाँ पे हो चुका है 3 स्टार, एक माइनर भी मैंने यहाँ पे लेके रखा था, खैर इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ी हम लोगों को। तो ये है गाइज जैप लावालून आर्मी टाउन हॉल 10 के ऊपर। अभी वापस हम लोग जैप लावालून के एक दो तरीके और देखेंगे, उसके बाद हम लोग ग्राउंड अटैक स्ट्रेटजीज देखेंगे। तो फिलहाल यही है हमारी जैप लावालून आर्मी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है टाउन हॉल 10 के लिए। अभी और जैप लावालून के अटैक स्ट्रेटजीज हम लोग देखेंगे। ओके गाइज, अभी हम लोग हमारा अगला जैप लावालून इस वाले बेस के ऊपर करने वाले हैं। इस बेस के ऊपर हम लोग सिर्फ 4 लाइटनिंग यूज करने हैं जो कि क्वीन को मारने के लिए। जैसे ही क्वीन यहाँ पे आएगी हम लोग लाइटनिंग स्पेल डाल देंगे जिससे कि हमको एयर स्वीपर भी मिल जाएगा, एनिमी की क्वीन भी मिल जाएगी और ये वाला बॉम्ब टावर भी मिल जाएगा। टाउन हॉल 10 पे सबसे ज्यादा दिक्कत आर्चर क्वीन ही करती है, उसके बाद दिक्कत करती है सीसी। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे हेस्ट डाल के कुछ हम लोग बलून से डिप्लॉय करेंगे जिससे कि बलून्स यहाँ तक पहुँच जाएंगे और सीसी को ल्यूर कर लेंगे। और जैसे ही सीसी यहाँ पे ल्यूर हो जाती है सिंपली हम लोग यहाँ पे सीसी को बुलाएंगे, पॉइजन स्पेल डालेंगे, किंग और क्वीन को डालेंगे, सीसी को मारेंगे। और जैसे ही हमारा बार्बेरियन किंग यहाँ से आगे चला जाता है हम लोग हमारी क्वीन को यहाँ से अंदर की साइड पे लेके आएंगे। यहाँ पे कुछ वॉल ब्रेकर्स देखो, तो हमारी आर्चर क्वीन यहाँ से ये पूरा वाला सेक्शन टेक डाउन कर लेगी। तो इतना सेक्शन हम लोगों को मिल जाएगा, उसके बाद सिंपली हम लोग लावालून कर सकते हैं एयर स्वीपर की अपोजिट साइड से। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक लावा इसके ऊपर डालेंगे, एक लावा इसके ऊपर डालेंगे और पीछे से सिंपली बलून्स हम लोग डिप्लॉय करते हुए जाएंगे ऐसे। और स्टोन स्लैमर भी जहाँ पे भी जरूरत होगी वहाँ पे डाल देंगे, इस साइड पे डाल देंगे या फिर इस साइड पे डाल देंगे जहाँ पे भी जरूरत होगी। उसके बाद जो स्पेल्स है, झुंड में आने के बाद हेस्ट स्पेल डाल देनी है, बहुत ज़्यादा डैमेज है तो फ्रीज स्पेल डिप्लॉय कर देना है। यहाँ पे हम लोग स्केलेटन स्पेल भी लेंगे इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो स्केलेटन स्पेल भी डाल देंगे। तो यही स्ट्रैटेजी हमारी होने वाली है जैप लावालून की इस बेस के ऊपर। तो चलो करते हैं अभी अटैक। ओके गाइस, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से एनिमी की आर्चर क्वीन को टेक डाउन करना है। ओके, क्वीन को आने दो यहाँ पे। ओके गाइज, यहाँ पे डाल देंगे, क्वीन मर चुकी है गाइज यहाँ पे। अभी हम लोगों को एनिमी की जो सीसी है उसको ल्यूर करना है। चलो भाई साहब सीसी ल्यूर हो जा, हो गई गाइज सीसी ल्यूर यहाँ पे। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बुलाएंगे सीसी को एक आर्चर डिप्लॉय करके। जैसे ही सीसी आएगी तुरंत हम लोग क्या करेंगे, पॉइजन स्पेल डाल देंगे सीसी के ऊपर और एक बेबी ड्रैगन डाल देंगे। बेबी ड्रैगन के साथ ये सीसी मर जाएगी क्योंकि पॉइजन के अंदर है, राइट। तो इजीली यहाँ पे बेबी ड्रैगन मार देगा ड्रैगन को और ये जो विच है वो भी मर जाएगी। चलो गाइस, यहाँ पे बेबी ड्रैगन ने कर दिया अपना काम। किंग और क्वीन अभी हम लोग डिप्लॉय करेंगे जिससे कि किंग बाहर की साइड पर चली जाए और जैसा ही किंग आगे चला जाएगा वॉल ब्रेकर देके क्वीन को अंदर लेके जाएंगे जिससे कि हम लोगों को एयर डिफेंस मिल सके, है ना। ओके चलो भाई साहब, यहाँ पे वॉल ब्रेकर्स डालेंगे। चलो सही टाइम पे एबिलिटी दे दी, होपफुली यहाँ से एयर डिफेंस मिल जाए। लो गाइस एयर डिफेंस हम लोगों को यहाँ से मिल चुका है, काफी अच्छी खासी वैल्यू हम लोगों को यहाँ से मिल चुकी है। अभी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लावा लून चालू करेंगे यहाँ से। ओके, यहाँ पे भी लावा और लून्स डिप्लॉय करेंगे, मिनियंस आएंगे पीछे से क्लीन अप के लिए।
स्लैमर यहीं से डालेंगे क्योंकि टेस्ला फार्म है यहाँ पे। ओके यहाँ पे एक स्केलेटन, ओके एक फ्रीज आएगा यहाँ पे, टेस्ट भी यहीं पे आएगा, और आखिरी वाला जो फ्रीज बचा है, आखिरी वाला फ्रीज हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में। लो गाइज बेस देखते देखते ख़त्म हो चुका है, देख रहे हो गाइज काफ़ी इजी तरीके से हम लोगों ने इस बेस को क्रैक कर दिया है। यहाँ पे बहुत सारे एयर स्केलेटन्स भी रहते हैं जो आपके बलून्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत देने का काम करते हैं, एयर स्केलेटन्स, तो उसके लिए आप लोग एक एक्स्ट्रा पॉइजन स्पेल भी ले सकते हो जिससे कि आपके बलून बच सके। तो यहाँ पे हमारे पास बेबी ड्रैगन अभी भी जिंदा है, ड्रैगन राइडर है जो हम लोगों ने सीसी के अंदर लेके रखा था, चाहे तो आप लोग ड्रैगन भी ले सकते हो या फिर सारे के सारे बलून्स भी लेके जा सकते हो। तो ये हो गया गाइज हमारा इस वाले बेस के ऊपर 3 स्टार। अभी वापस एक और अटैक करेंगे, उसके अंदर उतना ज़्यादा प्लानिंग हम लोग नहीं करेंगे, बिना प्लान के हम लोग अटैक करेंगे जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग जाए, आप लोग खुद आपके दिमाग में प्लान समझ सको कि किस प्लान के साथ अटैक हो रहा है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग तीसरा जैप लावल अटैक करने वाले इस वाले बेस के ऊपर। अभी प्लान नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आप लोग प्लान मन ही मन में गेस करना कि क्या क्या होने वाला है इस बेस के ऊपर। ओके भाई साहब, तो चलते हैं फिर अटैक के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैप करेंगे। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा क्या जैप करना है, बट मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे, क्वीन मर नहीं पाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्वीन जिंदा बच चुकी है। ओके चलो भाई साहब, अभी हम लोगों को इधर से वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिससे कि एनिमी की क्वीन भी हम लोगों को मिल सके, क्योंकि एनिमी की क्वीन काफ़ी कम हेल्थ पे बची है। हम लोगों ने यहाँ पे जो लाइटनिंग स्पेल है वो थोड़ा सा गलत डाल दिया, कोई बात नहीं, अभी इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, लावा हॉर्न निकला है सीसी के अंदर से। यहाँ पे स्टोन स्लैमर डालेंगे, यहाँ पे लावा लून चालू करेंगे, एबिलिटी ओके, लावा डाल के बलून्स डालेंगे ओके, यहाँ पे हेस्ट, अरे यार पॉइजन गिर गया गलती से, लोल हेस्ट की जगह पॉइजन गिरा दिया, कोई बात नहीं ओके, तो बलून्स आएंगे। चलो भाई साहब सही जा रहा है अभी तक तो, कोई प्लीज स्केलेटन प्लीज हेस्ट और वापस एक फ्रीज, बहुत सारे स्पेल्स लगा दिए लास्ट में, एक एक्स्ट्रा पॉइजन लेके आता क्योंकि एयर स्केलेटन्स देखो गाइज, एयर स्केलेटन्स काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत दे रहे हैं, बहुत सारे बलून्स को भी मार दिया एयर स्केलेटन्स ने यहाँ पे। तो स्केलेटन स्पेल जो हम लोगों ने लिया था उसकी जगह हम लोग एक पॉइजन स्पेल भी एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं जिससे कि ये एयर स्केलेटन्स मरे, क्योंकि बहुत बहुत हरामी है भाई ये एयर स्केलेटन्स, मार देते हैं भाई सारे बलून्स को आपके। लेकिन खैर स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो यहाँ पे 4 स्पेल्स लगाए वो लिटरली वेस्ट ही हो गए, उससे अच्छा मैं एक हील स्पेल ले लेता 4 की जगह और 2 के अंदर एक स्केलेटन और ले लेता और एक पॉइजन स्पेल ले लेता, है ना। तो ऐसे आप लोग चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे हम लोगों को खैर स्टार्टिंग में क्वीन नहीं मिल पाई थी, लेकिन स्टिल ये वाला जो हमारा अटैक है ये 3 स्टार तो हो चुका है, काफ़ी रगड़ रगड़ के हुआ है क्योंकि यार थोड़े से मिस्टेक्स हुए अटैक्स के अंदर, लेकिन खैर जो भी है 3 स्टार अटैक हो चुका है हमारा इस लावालून आर्मी के साथ। तो ये थी गाइस लावालून अटैक स्ट्रेटजी। अभी हम लोग बढ़ेंगे ग्राउंड आर्मी की तरफ जो कि हमारी हॉग आर्मी है। ओके गाइस, अभी बढ़ते हैं ग्राउंड अटैक स्ट्रेटजी की तरफ जहां पे हम लोग करने वाले हॉग अटैक। ये है गाइस गो हॉग की बहुत ही स्टैंडर्ड आर्मी, इसके अंदर आप लोग बेस के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, 1-2 ट्रुप्स चेंज करके स्पेल्स वगैरह चेंज करके आप लोग आर्मी के अंदर बदलाव कर सकते हो। लेकिन ये काफी स्टैंडर्ड आर्मी है जहाँ पे सीसी के अंदर आप लोग एक तो फ्लेम फ्लिंगर भी यूज़ कर सकते हो या फिर सीज बैरक भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल जो हम लोग अटैक करने वाले हैं वो सीज बैरक के साथ करेंगे, उसके बाद फ्लेम फ्लिंगर के साथ भी करेंगे। ये आर्मी आप लोगों को कब यूज़ करनी है पता है, जब आप लोगों को एनिमी का किंग और क्वीन और एनिमी की सीसी तीनों अगर आप लोगों को एक साथ दिखे तो भाई साहब आग बंद करके उस बेस के ऊपर इस आर्मी के साथ अटैक करना, 3 स्टार मिलेगा ही मिलेगा आपको। अभी हम लोग इस वाले बेस के ऊपर अटैक करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे देख लो एनिमी किंग क्वीन और सीसी तीनों एक साथ मिल रहे हैं। कैसे करना है बताता हूँ, जहाँ पे किंग क्वीन और सीसी है वहां पे हम लोग सुई करना है, सुई मतलब आपका किंग वहीं पे सुई हो जाएगा, क्वीन भी वहीं पे सुई हो जाएगी, जो आपके 2 गोलम्स है वो भी वहीं पे सुई हो जाएंगे और जो आपकी सीज बैरक है
वो भी वहीं पे सोई होगी। आप लोग सोच रहे होंगे अच्छा जी सुमित यहाँ से अटैक करोगे, नहीं यहाँ से अटैक नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे ना यहाँ से अटैक करेंगे ना तो ट्रुप्स ना ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे यहाँ वहाँ, तो हम लोग वो नहीं चाहते कि ट्रुप स्प्रेड हो जाए, तो हम लोग चाहते कि ट्रुप कॉन्सेंट्रेटेड रहे और एक साथ घुसे। तो कैसे घुसाएंगे हम लोग, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे गोलम आएगा, यहाँ पे गोलम आएगा, यहाँ पे कुछ वॉल ब्रेकर्स आएंगे और जो किंग क्वीन है हमारे किंग क्वीन इधर से अंदर की साइड पे जाएंगे, सीज बैरक भी हम लोग इधर से अंदर की साइड पे डिप्लॉय करेंगे। तो पूरा इनके लिए ना ये इतना ये जो रेक्टेंगल है ये पूरा हमारे सुई ट्रुप्स के लिए हो जाएगा। और जैसे ही एनिमी की सीसी बाहर आएगी हम लोग यहाँ पे पॉइजन वगैरह डाल देंगे जिससे कि एनिमी के हीरोज भी पॉइजन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे कोई भी रेड स्पेल यूज नहीं करना है, हील स्पेल यूज करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब्स वगैरह रहेंगे, खुद बॉम्ब टावर भी है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली हील यूज करेंगे। तो किंग क्वीन और जो भी हमारे सुई के ट्रुप्स है वो पूरा ये कंपार्टमेंट टेक डाउन कर लेंगे जो कि सबसे हेवी कंपार्टमेंट है। जब तक हम लोग ये वाला सेक्शन टेक डाउन करेंगे तब तक ये जो सीज बारक के हॉक्स है वो भी आ जाएंगे, वो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे आएंगे और हम लोग हमारे हॉक राइडर्स ऐसे यहाँ से डिप्लॉय करना चालू कर देंगे, बस ऐसे डिप्लॉय करना चालू कर देंगे। जैसे ही हॉक राइडर्स बंच में आएंगे हिल स्पेल डिप्लॉय कर देंगे, जहाँ पे भी फ्रीज की जरूरत लगी, चाहे यहाँ पे हो फ्रीज या फिर यहाँ पे हो, जहाँ पे भी फ्रीज की जरूरत होगी वहाँ पे फ्रीज। जब झुंड में हॉक्स रहेंगे उनके ऊपर हिल, सिंपल सा प्लान है, काफी सिंपल स्ट्रेटजी है, करेंगे इसी प्लान के साथ अटैक। चलो भाई साहब करते हैं अभी हम लोग इस बेस के ऊपर अटैक, लेट्स गो। ओके स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, गोलम्स आएंगे दो, पीछे से क्या आएंगे विजर्ड्स आएंगे, ठीक है, उसके बाद सिंपली एक वॉल ब्रेकर जाएगा टेस्टिंग के लिए, कुछ नहीं है वापस वॉल ब्रेकर से जाएंगे। चलो वॉल ब्रेक हो चुकी है, सिंपली हम लोग किंग को डिप्लॉय करेंगे, क्वीन को डिप्लॉय करेंगे और सीज बैरक को डिप्लॉय करेंगे जिससे कि वो अंदर की साइड पर आ जाए। ओके गाइज ओके सारे ट्रुप्स हमारे अंदर की साइड पर आ चुके हैं, नाइस गोइंग। यहाँ पे एक पॉइजन डाल देंगे इनकी एबिलिटी और यहाँ पे एक हील डाल देंगे, चलो सही हो चुका है हमारा काम। सीज बैरक अभी फटने ही वाला है, फट के हॉक्स निकलेंगे सीसी के बाहर, तो हम लोग हमारी हॉगिंग भी चालू करनी पड़ेगी उसी के साथ साथ। तो सीसी के हॉक्स आ चुके हैं, हम लोग हमारे हॉक्स यहाँ से चालू करेंगे ऐसे और पीछे से विजर्ड्स क्लीन अप के लिए, हॉक्स झुंड में आ गए तो हील स्पेल। ओके एक एक्स्ट्रा पॉइजन स्पेल भी है हमारे पास, यहाँ पे एक पॉइजन आएगा, ओके यहाँ पे एक हील आएगी, यहाँ पे कुछ हॉक्स, ओके। और ये जो हमारी आखिरी वाली हील स्पेल है इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और अभी भी दो फ्रीज स्पेल्स है हमारे पास, फ्रीज स्पेल हम लोग यहाँ पे एक्सबोस के ऊपर डालेंगे, अभी भी एक फ्रीज स्पेल है हमारे पास और ये वाली फ्रीज भी यहाँ पे एक्सबो के ऊपर ही जाएगी। ये लो गाइज देखते ही देखते हमारे हॉक्स ने पूरे बेस को तबाह कर दिया है, खत्म हो चुका है ये बेस। अभी भी हमारे पास क्लीन अप के लिए ट्रुप्स वॉल ब्रेकर्स वगैरह बच चुके हैं, खैर जरूरत तो इनकी है नहीं, इजीली ये वाला बेस गाइज यहाँ पे क्रैक हो चुका है, 3 स्टार हो चुका है। ओके हमारा जो छोटा वाला गोलम था उसको उड़ा दिया स्प्रिंग ट्रैप ने, खैर देखा जाए तो यहाँ पे कितने हॉक्स बचे हैं, 7 से 8 हॉक राइडर्स बचे हैं यहाँ पे, 6 है कि 7 है, 7 है आई थिंक, तो टोटल 7 हॉक राइडर्स हमारे यहाँ पे बच चुके हैं और ये हो गया हमारा हॉक्स के साथ 3 स्टार अटैक। इस आर्मी के अंदर आप लोग बेस के अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हो। अभी हम लोग वापस इसी स्ट्रेटजी के साथ अटैक करेंगे लेकिन अलग बेस के ऊपर अटैक करेंगे, लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है। ओके भाई साहब अभी इस बेस के ऊपर अटैक करेंगे, यहाँ पे किंग क्वीन और सीसी तीनों एक साथ मिल रहे हैं, सेम आर्मी के साथ अटैक करेंगे, बस थोड़े बहुत बदलाव रहेंगे आर्मी के अंदर। जो हम लोगों ने पिछली बार सीज मशीन यूज करी थी वो सीज मशीन नहीं यूज करेंगे, न्यू सीज मशीन बैटल ड्रिल सॉरी फ्लेम फ्लिंगर को यूज करेंगे, ये रहने वाली है गाइज हमारी आर्मी। 31 हॉग राइडर्स हम लोग यूज करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक हॉग राइडर यहाँ पे और एक हॉग राइडर यहाँ पे डालना है, उसके बाद सिंपली हम लोगों को एक जायंट डाल के फ्लेम फ्लिंगर डालना है जिससे कि फ्लेम फ्लिंगर यहाँ पे फनल बना ले, ठीक है। ओके नाइस चलो भाई काफ़ी अच्छी बात है। अभी सिंपली हम लोग गोलम डाल के किंग और क्वीन को डालेंगे, विजर्ड्स डालेंगे, ओके और सीसी आने के बाद पॉइजन स्पेल आएगा सीसी के ट्रुप्स के ऊपर, बस किंग और क्वीन का इतना ही काम था। अभी जो 29 हॉग राइडर्स हमारे पास बच चुके हैं और सीसी के जो हॉक्स हैं उनको ही पूरा बेस टेक डाउन करना है। ओके
फ्लेम फ्लिंगर तो अपना यहाँ पे काम कर ही रहा है अच्छा खासा। चलो भाई साहब सही जा रहा है अटैक। चलो सही है। यहां पे डालेंगे कुछ हॉग राइडर्स, उसके बाद सिंपली यहां पे एक हिल्स पे लाएगी। सीसी के हॉग राइडर्स भी बाहर आ चुके हैं, वो भी मेन आर्मी के साथ जुड़ जाएंगे। ओके यहां पे एक हिल आएगी और यहां पे एक हिल आएगी, यहां पे कुछ हॉक्स, यहां पे कुछ हॉक्स। ओके यहां पे दो हॉग राइडर्स आएंगे और यहाँ पे एक फ्रीज डाल के जैसे ही आगे आएंगे हॉक्स यहाँ पे डाल देंगे हम लोग एक हिल स्पेल। बस खत्म है गाइज ये बेस। ये लो भाई साहब काफी सारे हॉग राइडर्स हमारे पास बच चुके हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे एक दर्जन से भी ज्यादा हॉक्स बचे हैं और एक पॉइजन स्पेल भी हमारे पास बच चुका है और बहुत सारे स्टोरेजेस भी यहाँ पे बच चुके हैं। तो वो स्टोरेजेस टेक डाउन करने के लिए हम लोगों ने बस एक माइनर लिया है यहाँ पे क्लीनअप के लिए। खैर आपके हॉग राइडर्स ही इतने सारे बच जाएंगे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये लो भाई साहब एक दर्जन से भी ज़्यादा हॉक्स हैं और ये वाला अटैक हमारा यहाँ पे हो चुका है 3 स्टार काफ़ी पावरफुल तरीके से। तो यही मेरे को काफ़ी तगड़ी स्ट्रैटेजी लगती है, इवन लावा लून से भी तगड़ी मेरे को यही स्ट्रैटेजी लगती है हॉग वाली टाउन हॉल 9, 10 और 11 के लिए सबसे पावरफुल आर्मी। ये हो गया हमारा 3 स्टार अटैक इस बेस के ऊपर। ओके गाइस तो अभी हम लोग इस बेस के ऊपर अटैक करने वाले हैं जहाँ पे किंग क्वीन और सीसी एक साथ ही मिल रहे हैं लेकिन थोड़ा दूर दूर है, तो हम लोग हमारी जो सुई है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 पेकास को ऐड किया है और एक रेड स्पेल भी हम लोगों ने ऐड किया है आर्मी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्लेम फ्लिंगर को डालेंगे भाई साहब यहाँ पे, जिससे कि फ्लेम फ्लिंगर अपनी मस्त वैल्यू खींचता रहे वहाँ से। उसके बाद सिंपली 2 गोलम्स डालेंगे और पीछे से डाल देंगे हम लोग हमारे विजर्ड्स क्लीन अप के लिए और जो हमारी जंप्स पहले उसको डाल देंगे यहाँ पे। ओके पेकास आएंगे किंग और क्वीन भी आएंगे। चलो भाई साहब इधर से अभी हम लोगों को एनिमी का बारबेरियन किंग क्वीन और सीसी भी मिल जाएगी और जो रेड्स पहले हम लोग देखेंगे सिचुएशन देख के यूज़ करेंगे रेड्स पहले, अगर ज़रूरत पड़ी यहाँ पे तो यहाँ पे यूज़ कर रहेंगे, नहीं पड़ी तो खैर बाद में यूज़ कर लेंगे। ओके ये बलून दिक्कत दे रहा है अभी यहाँ पे हमारे ट्रुप्स को एनिमी का, तो एक काम करेंगे पॉइजन डालेंगे उसके ऊपर। चलो भाई साहब चलो रेज की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को लगा रेज की जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे। सिंपली हम लोग हमारे हॉग राइडर्स डालेंगे ऐसे एक डिफेंस के ऊपर 4-4, 5-5 हॉक्स। किसी के हॉक्स भी फट चुके हैं थोड़ा जल्दी ही, यहाँ पे एक हील आएगी। ओके यहाँ पे एक रेज और एक फ्रीज आएगी, पॉइजन स्पेल भी आएगा वहीं पे। बाप रे गाइस थोड़े ज़्यादा स्पेल लगा दिए हम लोगों ने सीसी के ट्रुप्स के ऊपर, क्योंकि थोड़े हायर लेवल के हॉग राइडर्स थे वहाँ पे इसलिए थोड़े ज़्यादा स्पेल्स लगा दिए मैंने, लेकिन हाँ उस हिसाब से उन्होंने वैल्यू भी हम लोगों को वैसे खींच के दी है। अभी भी एक फ्रीज स्पेल हमारे पास बच चुका है, ये फ्रीज स्पेल हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ये लो गाइस ये वाला बेस यहाँ पे हो चुका है ख़त्म, काफ़ी सारे हॉग राइडर्स हमारे पास बच चुके हैं और क्लीनअप के लिए हम लोगों के पास ज़्यादा ट्रुप्स है ही नहीं, थोड़े से ज़्यादा से ट्रुप्स होने चाहिए थे हमारे पास क्लीनअप के लिए। एक हॉग राइडर कम करके क्लीनअप ले लेता यहाँ पे, लेकिन खैर जो भी हो टाइम इतना ज़्यादा है कि हॉग राइडर से ही क्लीनअप ट्रुप्स का काम करेंगे अभी। ये लो गाइज ये वाला अटैक भी हो चुका है यहाँ पे 3 स्टार और इसी के साथ गाइज ये थी हमारी 2 अटैक स्ट्रेटजी। काफी स्किल्ड आर्मीज है दोनों, आप लोगों को अच्छे से थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर इजीली आप लोग यहाँ पे 3 स्टार कर पाओगे। ये लो हमारे हॉक राइडर ने लास्ट वाली बिल्डिंग फोड़ के कर दिया इसको 3 स्टार, आप भी कर पाओगे बस प्रैक्टिस की जरूरत है। तो बस गाइज आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबाना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।